स्टूडेंट्स, मैं कांता मंगवानी। कैसे हैं आप? होप आप सब बहुत बड़ा लॉन्ग वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है आपको। तो आज चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ बेसिक। ये आपके लिए बिल्कुल नया है और ये आपके आ रहा है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पे। तो जब भी मेरा ये आप वीडियो देखें तो प्लीज़ आप बुक साथ लेके बैठा करें। और ये इसका पार्ट 1 है। और स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वो जो बेल आइकन आता है ना बाद में उसको भी दबा दो, तो जैसे ही मेरा नया लेसन का वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक। अब देखें ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है, पहले तो वो देखना है अपन को। वंस यू हैव अ कंप्यूटर रनिंग एन ओएस, जब आपके कंप्यूटर पे कोई ओएस रन कर रहा होता है, ओएस का मतलब आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होता है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो है, जनरली हम विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग उससे तुरंत ही काम करना जल्दी से चालू कर देते हैं। नाउ यू मस्ट हैव अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टू इनेबल द कंप्यूटर टू डू योर जॉब। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिससे आपका आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। आपको पता है जब हमने फोर्थ में लोगो प्रोग्रामिंग सीखा था, याद है आपको? तो इस तरह से होगा, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वॉन्ट टू राइट एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ लेटर। एक ऐसा काम आपने जो किया हुआ है कंप्यूटर पे और आपने कुछ लिख दिया है या ड्राइंग बना दिया या कुछ भी कर दिया, उसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या लेटर लिख दिया उसको प्रिंट आउट, तो क्या करना होगा? एक तरह का एग्जाम्पल है ये। नाउ यू विल नीड ए प्रोग्राम दैट लेट्स डू दैट। तो आपको एक प्रोग्राम चाहिए कि जिसमें आप लेटर लिख सकें और उसको प्रिंट कर सकें। ओके, नाउ मोस्ट ओएस हैव सच सिंपल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड अलोंग विथ इट। कुछ ओएस के साथ प्रिंटर का प्रोग्राम जो है वो पहले से ही इंस्टॉल होता है, विंडोज़ में भी आता है, लिनक्स में भी आता है और मैक ओएस में भी, जितने भी ओएस है वो सब प्रिंटिंग का तो सॉफ्टवेयर साथ में ही देते हैं। इन केस ऑफ विंडोज ओएस द प्रोग्राम्स दैट लेट यू राइट एंड प्रिंट अ लेटर आर नोट पैड और वर्ड पैड। आपने नोट पैड वर्ड पैड का नाम तो सुना ही होगा, आया समझ में? तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप एक पूरा टेक्सचुअल बेस राइटिंग कर सकते हैं, जैसे लेटर लिख सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ मोर पावरफुल प्रोग्राम फॉर दिस पर्पस। इससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा इसका भाई है जो उससे भी पावरफुल है, उसको बोलते हैं एमएस वर्ड, जो आपने फिफ्थ लेसन में देखा था, पूरा वीडियो एमएस वर्ड का था। इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्पेसिफिक जॉब ऑन कंप्यूटर यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई स्पेशल काम करना है कंप्यूटर पे, जैसे वीडियो चलाना है, म्यूज़िक सुनना है, तो म्यूज़िक वीडियो, तो आप म्यूज़िक प्लेयर नहीं होगा तो आप सुन ही नहीं पाओगे, वीडियो प्लेयर नहीं होगा तो आप वीडियो नहीं देख पाओगे। इस तरह से यू मे बाय ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मार्केट। तब क्या करेंगे हम लोग कि हम एक मार्केट से सॉफ्टवेयर लाएंगे, जो कंप्यूटर डीलर्स होते हैं ना उससे कोई सॉफ्टवेयर लाएंगे अगर हमारा कोई काम करवाना हो तो। बट वाट इफ़ द सॉफ्टवेयर यू रिक्वायर इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मार्केट में, बाजार में हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। नाउ वॉट इफ़ इट इज़ अवेलेबल बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत महंगा हो। वेल इन दीज केसेस यू मे लाइक टू राइट योर ओन प्रोग्राम। ये सब जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो हम क्या करते हैं, खुद के प्रोग्राम लिखते हैं, खुद का प्रोग्राम बना के रन करते हैं, उसे बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। टू राइट योर ओन प्रोग्राम्स यू नीड टू नो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको अगर प्रोग्राम कोई लिखना है,
खुद का प्रोग्राम बनाना है, उसको रन करना है, जैसे आपने प्ले स्टोर्स में ऐप देखी है ना कैसे रन करती हैं, तो ये गेम्स की होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैजिकल फोटो एडिटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं लाइक, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, समझ में आया ना। जैसे आपको आपको फेयर कॉपी में कुछ लिखना हो तो फेयर कॉपी की ज़रूरत पड़ती है ना, सेम इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। आपको फोर्थ में भी मैंने बताया था, कंप्यूटर है वो तो एक मशीन है, वो तो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज तो समझता ही नहीं है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, बताया था कि नहीं। तो हम वो समझता किस में है, समझता किस में है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी है, जीरो एंड वन, आपको पता होना चाहिए। तो हम जो भी ये पिक्चर्स, वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग जो भी हम देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, वो मशीन लैंग्वेज में होती है अंदर। ओके, मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो जीरो और वन है उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज ट्रिपल एल। मशीन लैंग्वेज इज रिटन विथ बाइनरी नंबर्स जीरो वन ओनली। जो मशीन लैंग्वेज मैंने पहले भी बताया कि जीरो और वन में ही लिखी जाती है, क्योंकि वो आपको मैंने फोर्थ में सेकंड चैप्टर बाइनरी नंबर सिस्टम का अपन ने पढ़ा था ना, वो यही है। नाउ राइटिंग अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम 01 01 01 में प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो बहुत कठिन होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे। नाउ देयरफॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डेवलप ईजियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली जिससे हम सब लोग प्रोग्राम लिख सकें, खुद का प्रोग्राम बना सकें और उसको रन कर सकें, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज HLL। प्रोग्रामर्स कैन राइट प्रोग्राम्स इन एन HLL वेरी ईजीली। इस हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग बहुत ईजीली अपना प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, सम पॉपुलर HLL आर बेसिक सी, सी प्लस प्लस, प्रोनाउंस्ड सी प्लस प्लस। ओके, इसको हम सी प्लस प्लस बोलेंगे। नाउ सी हैश टैग, देन प्रोनाउंस एज अ सी शार्प, सी हैश को क्या बोलेंगे, सी शार्प। नाउ जावा, पास्कल एक्सेट्रा, आया समझ में इतना। द प्रोग्राम रिटन इन एन HLL इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो भी HLL में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, कि ये आपका, जैसे अभी देखो मम्मी राइस बनाती है तो राइस, पानी, जो भी सॉल्ट है, ऑयल है, तो ये सब क्या है, ये सोर्स हैं। तो इसी तरह प्रोग्राम में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लिखते हैं प्रोग्राम में, वो जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। इट इज़ वेरी मच लाइक इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही होता है, इंग्लिश ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। ह्यूमन कैन रीड देम, हम सारे ह्यूमंस जो हैं उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम इन एनी ऑफ HLL इट इज़ ट्रांसलेटेड इंटू मशीन लैंग्वेज। जब ये पूरा प्रोग्राम हम लिख देते हैं, फिर जब हम कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये ट्रांसलेटर हमने OS लेसन में पढ़ा था, पता होना चाहिए आपको। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो मशीन लैंग्वेज है वो उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। और ये आपके 52 पेज पे ये कंप्लीट हुआ, आप देखना जरा। दिस ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये कौन लेके जाता है उधर तक, ट्रांसलेटर प्रोग्राम लेके जाता है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसलेटर जो है दो तरह का होता है, ये अपन दो तरह के देख लेते हैं। एक होता है इंटरप्रीटर और दूसरा होता है कंपाइलर।
तो इंटरप्रीटर क्या है वो देख लेते हैं. दिस प्रोग्राम ट्रांसलेट वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड. ये इंटरप्रीटर क्या करता है, एक लाइन जो है आपके प्रोग्राम की उसको मशीन कोड में चेंज करता है एक ही बार. समझ में आया ना, एक ही लाइन को एक ही बार वो ट्रांसलेट करता है. लेकिन कंपाइलर क्या करता है देख लेते हैं. कंपाइलर दिस प्रोग्राम ट्रांसलेट ऑल द लाइन्स, यानी ये वन लाइन करता है, ये ऑल द लाइन्स करता है. सो लाइन्स ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो, एक ही बार में सारा प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट करके आपको वो आंसर आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में दे देता है. तो ये यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आपके पेज नंबर 53 पे है, जरा चेक करें मेरे साथ. नो, ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रीटर है. अब देखो, ये मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है बेसिक का, स्टार्ट स्टोर 5 into 2A, देन एड 3 to A, देन प्रिंट A, देन एंड. अब कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ देखो इसने रन कर लिया. समझ में आया ना. लेकिन इंटरप्रीटर क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट लाइन उसने ट्रांसलेट की, फिर सेकंड लाइन करेगा ये वाली, फिर थर्ड करेगा, फोर्थ करेगा, लाइक. तो लास्ट में ये प्रोग्राम जो है ओएस द्वारा अपने हार्डवेयर में एंटर होगा मशीन कोड के रूप में, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा. देयरफॉर इफ यू वांट टू राइट ऑन प्रोग्राम्स यू मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर. अगर आपको अपना कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे प्ले स्टोर की ऐप से सब लोग एंड्रॉयड स्टूडियो से प्ले स्टोर की ऐप्स बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सर्च कर लेते हैं. फर्स्ट जो आ रहा है बेसिक लैंग्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिक लैंग्वेज. अब इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस, ये ए, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड. तो ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी ए एस आई सी, बेसिक. और सिंपली से बेसिक इज द वन ऑफ द ईजिएस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे ईजी है, थोड़े थोड़े कोड होते हैं और आंसर आ जाता है. आया समझ में. इट वॉज डेवलप बाय जॉन जॉर्ज केमनी एंड थॉमस युगने कुर्ज एट डार्टमाउथ कॉलेज इन न्यू हैम्पशायर. अभी किसने बनाई है, दो लोगों ने बनाई है, जिसमें फर्स्ट ये जो है जॉन जॉर्ज केमनी है, दूसरा है थॉमस एग्नी कुर्ज है. वो कहाँ बनाया है उन्होंने, डार्टमाउथ कॉलेज में, डार्टमाउथ कॉलेज इन न्यू हैम्पशायर में, जो कहाँ पे आया हुआ है, USA, अमेरिका में, इन मिड 1960s. कब, मिड 1960s, मतलब जो 1960 चल रहा था ना, उसके बीच में कहीं मंथ्स में बनाई है. नो, मैनी कंपनीज हैव क्रिएटेड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रीटर्स फॉर बेसिक. बहुत सी कंपनियों ने बाद में इंटरप्रीटर्स और कंपाइलर्स बनाए. लेकिन आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ देम आर टाइनी बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, GW बेसिक, क्यू बेसिक, ये आपको करना है. एंड देन सी बेसिक, सी बेसिक का फुल फॉर्म है कंपाइल्ड बेसिक, और क्यू बेसिक का क्विक बेसिक, एंड टर्बो बेसिक. एक्चुअली टर्बो बेसिक हम लोग 10th में यूज़ करते हैं, जो आपके 10th के बच्चे हैं ना वो करते हैं, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है. बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ईजी टू लर्न. अभी देखो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, मैंने पहले भी बताया, बहुत आसानी से हम उसको सीख सकते हैं. आप लोग अपने घर की भाषा कैसे जल्दी जल्दी सीख जाते हो, जो घर में मम्मी पापा बोलते हो फटाफट सीख जाते हो. इन दिस बुक यू विल लर्न क्यू बेसिक, इसमें आपको इस लेसन में क्यू बेसिक कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो आपको पता चलेगा. नाउ क्विक बेसिक और क्यू बेसिक इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. ये किसका प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रोग्राम है. आया समझ में. इट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉस, दैट इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये किस पे काम करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है. नाउ अब देखना ये है कि ये क्यू बेसिक जो है क्विक बेसिक स्टार्ट कैसे होता है. स्टार्टिंग
क्विक बेसिक, क्यूब बेसिक. नो, क्यूब बेसिक प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अ फाइल नेम क्यूब बेसिक डॉट exe. exe का फुल फॉर्म है एजुक्यूशन फाइल या एजुक्यूटेड फाइल, आया समझ में, डॉट exe. यू मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर पे ये फाइल होना जरूरी है, कंपल्सरी है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है. अगर आपके घर में पीसी है तो आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट. हम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. क्यू बेसिक इज एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. ये IDE का फुल फॉर्म है. दैट अलाउस यू, क्या क्या ये अलाउ करते हैं, ये सारे लिस्ट दी हुई है, हम एक एक करके देख लेते हैं. राइट ए बेसिक प्रोग्राम, हम एक कोई भी बेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं. सेव द प्रोग्राम इन अ फाइल ऑन द डिस्क. हम कोई भी प्रोग्राम लिख के उसको अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, आया समझ में. रीड ए प्रोग्राम सेव्ड इन अ फाइल ऑन द डिस्क. जो भी आपका प्रोग्राम सेव है, प्रोग्राम, उसको हम सेव करके उसको रीड भी कर सकते हैं. एडिट द प्रोग्राम फॉर करेक्शन. हम वापस से अपना प्रोग्राम खोल के उसमें अगर कोई मिस्टेक आ गई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं. नाउ रन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं. ये सारे मेन्यूज आएंगे आगे आगे धीरे धीरे. डीबग द प्रोग्राम फॉर रिमूविंग एरर्स. डीबग का मतलब होता है एरर करेक्शन, आया समझ में. जो भी डीबग है, बग को बोलते हैं एरर्स और डीबग को बोलते हैं एरर रिमूविंग, लाइक. ओके, सो लास्ट है प्रिंट द प्रोग्राम ऑन ए प्रिंटर. अगर आपको अपना प्रोग्राम प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं. Now, you will now learn how to write a simple program and run it. हम यहाँ इस लेसन में यही सीखेंगे कि सिंपल प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, टाइप कैसे किया जाता है और उसको रन कैसे किया जाता है. तो स्टार्ट करें. टू स्टार्ट वर्किंग विथ क्यूबेसिक IDE, डू द फॉलोविंग. हमको ये जो चीज़ें बोली गई हैं वो करनी है. स्टार्ट MS DOS कंसोल. आपको क्या करना है, MS DOS कंसोल खोलना है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CMD भी बोलते हैं, आया समझ में. या रन भी आप कमांड लिख के खोलेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो ये जो रन कमांड है यहाँ से भी मिल जाएगा आपको. स्टार्ट प्रोग्राम्स एसेसरीज, उधर रन मिलेगा, आप CMD या रन आप ओपन कर लेना तो ये मेन्यू आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है, इन द रन विंडो, ये यहाँ पे देखो रन आ रहा है, आया समझ में. इन द रन विंडो दैट अपीयर्स टाइप कमांड एंड प्रेस ओके. आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, इस पे आपको कमांड लिखना है और उसके बाद ये ओके बटन या एंटर बटन प्रेस कर देना है. इट ओपन्स ए डॉस कंसोल एज शोन बिलो. देखो ये डॉस कंसोल यहाँ पे ये पूरा ओपन हो गया है. यहाँ पे आ रहा है सी कमांड डॉक्यूमेंट देन एडमिन, यहाँ पे ये कर्सर है. नाउ डॉस इज वेटिंग फॉर यू टू एंटर योर कमांड. अभी डॉस आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कब उसमें कमांड डालेंगे या लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे, राइट. नाउ चेंज टू द क्यूबेसिक फोल्डर. आपको वहां जाना है जहां आपका क्यूबेसिक पड़ा है. तो हम कहाँ से जाएंगे, सपोज क्यूबेसिक इज इन ABC फोल्डर ऑफ रूट ऑफ सी ड्राइव. अगर आपका ABC फोल्डर में क्यूबेसिक पड़ा है तो आपको क्या जाना है, सी में जाना है. देखो यहाँ CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी /ABC. तो आपका क्या, सीधा आपके ABC डायरेक्टरी में चला जाएगा, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं. तो देन यू हैव टू मस्ट चेंज टू दिस फोल्डर यूजिंग CD/CHDIR. जो चेन डायरेक्टरी आपको करनी है उधर उसका नाम लिखना पड़ेगा स्पेस देके, एच शोन बिलो. ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये देखो CD कमांड लिखा, फिर ABC लिखा, फिर आपका ये सीधा ABC तक आ गया. रन द क्यूबेसिक ID, जस्ट टाइप क्यूबेसिक एंड प्रेस एंटर. आपको यहाँ क्या करना है, ये आने के बाद आपको यहाँ पे क्यूबेसिक लिखना है, क्योंकि उसका exe फाइल, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी की चाबी है,
तो उसी से ही खुलेगा। तो क्यूबिजिक लिख के आपको एंटर करना है, ये आपके पेज नंबर 55 पे आया हुआ है। आया समझ में? अब आ रहा है क्यूबिजिक आईडी स्टार्ट एज शोन बिलो। ये इस तरह का आपको स्क्रीन पे पूरा ब्लू कलर का दिखाएगा, एक डायलॉग बॉक्स और से इंटरफेस जो क्यूबिजिक का इंटरफेस है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग, डीबग मीन्स एरर करेक्शन ऑप्शंस। अब ये जब आने के बाद आपको क्या करना है, ये एक मैसेज आएगा आपको वेलकम वाला, तो उसको आपको क्या करना है, एस्केप की होती है ना कीबोर्ड में, वो दबा देनी है। कौन सी की दबाओगे? एस्केप की, जो ESC लिखा होता है। तो ये जो मेन्यू है वो भाग जाएगा और यहाँ ये जो ब्लू स्क्रीन है खाली हो जाएगा और उसमें आप लिखेंगे द IDE डिस्प्लेस फ्यू वेलकमिंग मैसेज। आपको ये वेलकम मैसेज दे रहा है, वेलकम इन क्यूबिजिक, टू क्लियर द वर्किंग एरिया प्रेस एस्केप की। आपको कीबोर्ड से एस्केप की दबानी है ताकि ये जो वेलकम मैसेज है ये भाग जाए। अब आगे देखें क्या क्या है इसमें क्यूबिजिक में। ऑब्जर्व दैट दिस इज अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ये मेन्यू ड्रिवन है। देखो इतने सारे ये मेन्यू दिए हुए हैं, देर आर 8 मेन्यूज। कितने मेन्यू हैं? 8 मेन्यूज, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग, ऑप्शन एंड हेल्प। फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग, ऑप्शंस, ये 8 मेन्यू है। यू विल लर्न अबाउट दीज मेन्यूज इन अ शॉर्ट वाइल। आगे आपको इसमें पता चलेगा कि फाइल में क्या करना है, एडिट में क्या करना है और व्यू, सर्च, रन में क्या करना है। यू कैन सी अ मेन्यू बाय प्रेसिंग ऑल्ट की अलॉन्ग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द मेन्यू। आप जो कीबोर्ड का ऑल्ट ALT ऑल्ट की है ना, उसको दबा के रखना है और मेन्यू का फर्स्ट की जो है ये नेम वो दबाना है। तो आप इसके फाइल को ओपन करने के लिए आप कौन सा की दबाओगे? ऑल्ट प्लस F एक साथ दबाओगे तो ये वाला मेन्यू ओपन होएगा। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, टू सी द फाइल मेन्यू प्रेस ऑल्ट एंड F कीज टूगेदर। आपको एक साथ दबानी, एक पहले एक बाद में नहीं, पहले आप ऑल्ट की दबा दो फिर F की दबा दो तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर E दबाना, E का खोलना है फोल्डर तो ई दबाना पड़ेगा, व्यू का खोलना है तो वी दबाना पड़ेगा, लाइक। सो यू कैन चूज मेन्यूज आइटम्स बाय प्रेसिंग एरो कीज टू मूव अप, डाउन एंड साइडवेज। आपको ये मेन्यू के अंदर भी अगर आपको स्क्रॉल करना है तो एक मेन्यू खोल के आप फिर एरो की लेफ्ट एंड राइट भी यूज कर सकते हैं, और मेन्यू के अंदर अगर आपको अप डाउन करना है तो भी अप एंड डाउन वाली एरो की, ये अप एंड डाउन करने के लिए अप एंड डाउन एरो की और मेन्यू को इस साइड ले जाने के लिए वो लेफ्ट एंड राइट एरो की यूज होती है। और ये आपके पेज नंबर 56 पे आ रहा है। अब इसके बाद जो हम एक और वीडियो लेंगे वो इस लेसन का लास्ट ही होगा, उसमें आपके टॉपिक आ रहा है योर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम, तो उसमें कैसे प्रोग्राम बनाना है वो साथ साथ मैं बता दूंगी। आया समझ में इतना? स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक जो आपके आज तक हमने 56 पेज तक पढ़ लिया, और यहाँ पे पार्ट 1 इज ओवर, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। होप आपको ये सारा लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा दो तो आपको अच्छे से सारे लेसन के वीडियोस मिलते रहेंगे। और सिर्फ अपने ही क्यों, मेरे दूसरे भी वीडियो हैं, क्लास के 4th के हैं आपके, फिर 9th-10th के, उसको भी लाइक किया करो, लाइक करने में क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।